This news sponsored by Me Media and Web Solutions Private Limited. Contact us for live streaming on news portal, website, YouTube channel and Facebook. Also, we deal in online promotion, SEO, e-business, web server and all type of audio video making. Call now 9999042768. नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूँ रूबी नेगी और वक्त हो चुका है मिड डे न्यूज का। और मिड डे न्यूज की जो सबसे ताजा खबर आ रही है वो है, 5 साल पहले प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खुले खातों में जमा राशि जल्द ही 1,00,000 करोड़ के पार हो जाने की बात सामने आ रही है। आपको बता दें कि ताजा सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 3 अप्रैल को इन खातों का बैलेंस 97,665 करोड़ रुपए था। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज चुनाव प्रचार के लिए पश्चिम बंगाल जा रहे हैं। वहीं बंगाल जाने से पहले योगी ने ट्वीट के जरिए पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में मोदी लहर से दीदी घबरा गई है। पूर्व वित्त मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पी चिदम्बरम ने पाकिस्तान को लेकर कहा कि पाकिस्तान के बर्ताव में बदलाव लाने के लिए भारत को अपना रवैया बदलना होगा। इसके साथ ही चिदम्बरम ने बाहरी सुरक्षा खतरों का हल निकालने के लिए दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य करने के लिए रास्ता खोजने की बात कही है। अगले साल जनवरी तक भारत हिंद महासागर में खुद को सक्षम बना लेगा। बताया जा रहा है कि भारत हर 30 सेकंड में उन विमानों की मौजूदगी की सटीक जानकारी देने के काबिल बन जाएगा जो विशाल हिंद महासागर या उसके द्वारा प्रशासित क्षेत्र में उड़ रहे होंगे। देवभूमि उत्तराखंड के चमोली जिले में रविवार को दोपहर बाद बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, रुद्रनाथ, गरसौन, बुग्याल, नंदा घुंघटी के साथ ही ऊंचाइयों वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है। इसके साथ ही नदी घाटी क्षेत्र में बारिश और ओलावृष्टि हुई है और बताया जा रहा है कि इससे फसलों को भी काफी नुकसान हुआ है। बिहार की बेगूसराय लोकसभा सीट से सीपीआई उम्मीदवार कन्हैया कुमार के समर्थकों और स्थानीय लोगों के एक समूह के बीच अनबन होने की खबर है। बताया जा रहा है कि कन्हैया कुमार को रोड शो के दौरान यहां काले झंडे दिखाए गए और उनके खिलाफ नारेबाजी की गई। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2019 को देखते हुए दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से 6 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली की 7 लोकसभा सीट पर 12 मई को मतदान होंगे। यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज अमेठी रायबरेली के संसदीय क्षेत्र के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंच रही हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भोपाल सीट पर भाजपा उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा के बयान पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से उनका नामांकन रद्द करने की मांग की है। वहीं उन्होंने चुनाव आयोग के निष्पक्ष तरीके से काम न करने की बात भी कही है। लोकसभा चुनाव 2019 के 7वें चरण में होने वाले मतदान के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। आपको बता दें कि 7वें और अंतिम चरण में 59 सीटों पर मतदान होने जा रहा है। हरियाणा की करनाल सीट से जेजेपी आप गठबंधन प्रत्याशी कृष्ण कुमार अग्रवाल ने कहा है, प्रचार के लिए कम समय बचा है फिर भी हम जीत हासिल करेंगे। इसके साथ ही कृष्ण कुमार अग्रवाल ने कहा कि जिस नेता के पास जनता के लिए समय नहीं उसे राजनीति में आने का कोई अधिकार नहीं है। आज देश में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है। आपको बता दें कि देश के महानगरों में पेट्रोल की कीमत 5 से 6 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, वहीं डीजल 7 पैसे तक सस्ता हुआ है। भाजपा ने भाजपा दिल्ली की 4 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं, जहां 4 सीटों पर मौजूदा सांसदों को ही प्रत्याशी बनाया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली की 7 लोकसभा सीट पर 12 मई को मतदान होंगे। यूपी के फिरोजाबाद के गांव जखारा में शादी समारोह में खाना खाने से 150 से अधिक लोगों के बीमार होने की खबर सामने आई है, जिसमें बताया जा रहा है कि बड़े बुजुर्ग, युवक व बच्चे भी शामिल है। वहीं फिलहाल सभी बीमार लोगों का इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर में उन्हें भर्ती कराया गया है। बिहार में इन दिनों जबरदस्त गर्मी से जनजीवन बेहाल है। आपको बता दें कि गया और पटना क्रमशः 39.9 और 39 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ सबसे गर्म रहा और फिलहाल आज भी गर्मी से राहत की उम्मीद नहीं दिख रही है।
जी हाँ, अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो मैं आपके लिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 10 नई वैकेंसीज के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। इस इन्फॉर्मेशन को गौर से देखिए और इस पर अमल कीजिए, हो सकता है आपको इनमें से कोई एक नौकरी मिल जाए। जी हाँ, सबसे पहली वैकेंसी है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन ट्यूबरक्लोसिस में। यहाँ पदों की संख्या 30 है, पद का नाम है DEO। आवेदन करने के लिए अंतिम तारीख 26 अप्रैल 2019। आवश्यक योग्यता है पोस्ट ग्रेजुएट। आवेदक की आयु 25 से 40 होनी चाहिए। मासिक आय नोटिफिकेशन के अनुसार वेतनमान 35,000 से 41,540 रहेगा। आवेदन करने के लिए योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन लिंक www.nit.res.in पर जाकर विजिट कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप NIRT नहीं जाना चाहते हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए एक और सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं। इसे ध्यान से देखिए और इस पर अमल कीजिए। यह वैकेंसी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट्स में। यहाँ पदों की संख्या 10 है, पद का नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर। आवेदन करने के लिए अंतिम तारीख है 10 मई 2019। आवेदक की आयु 28 से 50 होनी चाहिए। आवश्यक योग्यता है PhD। मासिक आय नोटिफिकेशन के अनुसार वेतनमान 60,000 प्लस अन्य भत्ते रहेंगे। आवेदन करने के लिए योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन लिंक www.nims.ac.in पर जाकर विजिट कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको यह नौकरी भी पसंद नहीं तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि सेंट्रल काउंसलिंग फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस ने भी वैकेंसी निकाली है। अगर आप CCRAS ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसे ध्यान से देखिए और उस पर अमल कीजिए। यहाँ पदों की संख्या 5 है, पद का नाम है फार्मेस्ट। आवेदन करने के लिए अंतिम तारीख है 25 अप्रैल 2019। आवेदक की आयु 25 से 30 होनी चाहिए। आवश्यक योग्यता है फार्मेसी में डिप्लोमा या डी फार्मा। मासिक आय 25,000 से 30,200 रुपए। आवेदन करने के लिए योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन लिंक www.ccras.nic.in पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको यह नौकरी भी पसंद नहीं तो आप उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी भर्ती निकाली है। अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसे ध्यान से देखिए और इस पर अमल कीजिए। यहाँ पदों की संख्या है 4,102, पद का नाम है टेक्नीशियन। आवेदन करने के लिए अंतिम तारीख है 30 अप्रैल 2019। आवेदक की आयु 18 से 40 होनी चाहिए। आवश्यक योग्यता है 10th+ ITI। पे स्केल 25,650 रहेगा। आवेदन करने के लिए योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन लिंक www.upenergy.in पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको यह नौकरी भी पसंद नहीं, लगता है कि आपको यह नौकरी आपके लायक नहीं है, तो आप बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ज्वाइन कीजिए। यहाँ पदों की संख्या 1,072 है, पद का नाम है हेड कांस्टेबल। आवेदन करने के लिए अंतिम तारीख 2 जून 2019। आवश्यक योग्यता है 12th पास। आवेदक की आयु 18 से 25 होनी चाहिए। पे स्केल 26,100 रुपए। आवेदन करने के लिए योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन लिंक www.bsf.nic.in पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप BSF भी नहीं जाना चाहते तो आप एयरफोर्स स्कूल में आवेदन कीजिए। यहाँ पदों की संख्या 10 है, पद का नाम है लोअर डिवीजन क्लर्क। आवेदन करने के लिए अंतिम तारीख 25 अप्रैल 2019। आवश्यक योग्यता है ग्रेजुएट। आवेदक की आयु 21 से 28 होनी चाहिए। पे स्केल 17,500 रुपए। योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन लिंक www.tafssp.com पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। और अगर आपको ये भी अच्छी नहीं लगी तो आप सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी ज्वाइन कीजिए। यहाँ पदों की संख्या 9 है, पद का नाम है लोअर डिवीजन क्लर्क। आवेदन करने के लिए अंतिम तारीख 1 मई 2019। आवश्यक योग्यता है 12th पास। आवेदक की आयु 18 से 25 होनी चाहिए। पे स्केल 20,000 से 32,400 रुपए। आवेदन करने के लिए योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन लिंक www.svpnpa.gov.in पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंडियन रेलवे में भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पदों की संख्या 5 है, पद का नाम है डायरेक्टर। आवेदन का अंतिम तारीख है 17 मई 2019। आवश्यक योग्यता है CA MBA या PGDM। आवेदक की आयु 30 से 50 होनी चाहिए। पे स्केल 50,000 से 65,000 रुपए। आवेदन करने के लिए योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन लिंक www.indianrailways.gov.in पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको यह नौकरी भी पसंद नहीं तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आगे मैं आपको बताने वाली हूँ कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने भी वैकेंसी निकाली है। यहाँ पदों की संख्या 8,000 है, पद का नाम है MTS। आवेदन के लिए अंतिम तारीख है 21 मई 2019। आवश्यक योग्यता है 10th पास। आवेदक की आयु 18 से 28 होनी चाहिए। पे स्केल 25,000 रुपए। योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन लिंक www.ssc.nic.in पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं।
जी हाँ, अगर आपको यह नौकरी भी पसंद नहीं तो आप महाराष्ट्र पुलिस सर्विस कमीशन यानी कि MPSC ज्वाइन कीजिए। यहाँ पदों की संख्या 553 है। पद का नाम है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। आवेदन करने के लिए अंतिम तारीख 23 अप्रैल 2019। आवश्यक योग्यता है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट। आवेदक की आयु 25 से 30 होनी चाहिए। पे स्केल 31,000 रुपए। आवेदन करने के लिए आप ऑनलाइन लिंक www.mpsc.gov.in पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, उपरोक्त सभी वैकेंसीज का ऑनलाइन फॉर्म भरने वक्त आप इस बात का खास ख्याल रखें कि आपके डॉक्यूमेंट में जो विवरण है आप वही भरिए, अन्यथा आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ये थी मिडडे की ताज़ा खबरें, और ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब बटन के साथ जो नोटिफिकेशन बेल है उसे भी दबा दीजिए, ताकि आप भी रह सके देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट।